हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मोबाइल की स्क्रीन वाइट हो जाती है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। देखिए, मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप सही कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको देखिए, अगर वाइट हो गई है तो आपको क्या करना है। मोबाइल का जो तीन बटन है, जो है एक पावर बटन और एक है वॉल्यूम अप बटन और एक है वॉल्यूम डाउन बटन, तीनों बटन को एक साथ में दबा कर रखना है 10 सेकेंड के लिए, जिससे आपका फ़ोन रीस्टार्ट होगा और खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, वाइट स्क्रीन वाली प्रॉब्लम सही हो जाएगी और इससे कुछ भी डिलीट नहीं होता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। तो दूसरे में क्या है, मोबाइल का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम अप बटन जिससे आवाज़ ज़्यादा करते हैं, इन दोनों बटन को आपको 10 सेकेंड के लिए दबा कर रखना है, जिससे आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा और खुल जाएगा, इससे भी कुछ भी डिलीट नहीं होता है। अगर ये ट्रिक भी काम नहीं करेगा तो तीसरा मैं आपको बताता हूँ, मोबाइल का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आवाज़ कम करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ दबा कर रखना है 10 सेकेंड के लिए, जिससे आपका फ़ोन रीस्टार्ट होकर खुल जाएगा और कुछ भी डिलीट नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अब देखिए, आपको इतना कर लेना जैसे आपका फ़ोन ओपन हो जाए, ऑन हो जाए। फिर आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है, प्ले स्टोर में जाकर चेक करना है, अगर ऐप्स का अपडेट आया रहेगा तो आप सभी ऐप को अपडेट कर देना, अगर आप ऐप को अपडेट नहीं करते हैं तो भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए, अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट नहीं किए हैं, सेटिंग में जाकर चेक करना, अगर अपडेट आया रहेगा मोबाइल का तो आप उसे ज़रूर अपडेट कर लीजिए, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, आपको नए फीचर्स भी नहीं मिलेंगे। इस तरीके से आप अपने फ़ोन को सही कर सकते हैं, काफ़ी आसान है गाइस, और टाइम टाइम पे आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लीजिए, इससे कुछ भी डिलीट नहीं होता है, आपके फ़ोन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो प्रॉब्लम रहती है वो सही हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।